ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, इसके बारे में आपने ज्योग्राफी में तो बहुत पढ़ा होगा, भूगोल में इसका एक विशेष महत्व है और ये भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आज हम यहाँ भोपाल के पास जो कर्क रेखा है वहाँ पे खड़े हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से एक सड़क के बीच के करीब में ये है और यहाँ पर लोग ये देखने क्यों आते हैं। ये कर्क रेखा सलामतपुर और दीवानगंज के बीच से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की खास बात यह है कि 21 जून को समर सोल्स्टिस के दिन यानी कि ग्रीष्म क्रांति के दिन सूरज बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर होता है। उस दिन यहां पर परछाई बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इस वक्त मैं भारत के बीच में खड़ा हूं तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा इस लाइन से जो नीचे है। ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और ये भारत को समझ लीजिए कि दो हिस्सों में विभाजित करती है यानी कि ऊपर और नीचे। बीच में ये लाइन है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है और करीब 14 जिले ऐसे मध्य प्रदेश में जो इस लाइन से टच होते हैं। यही वो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी जो है भारत के बीच से गुजर रही है। और अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। तो जो भूगोल के छात्र हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि ये कहाँ पे है। तो अगर आम आदमी की भाषा में समझाओ तो भारत इसके ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बटा है। और भारत, जब भारत का मैप देखेंगे तो बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही जाएगी। भारत में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जहां तक दुनिया की बात है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 16 देशों से होकर गुजरता है। इसमें 3 महाद्वीप और 6 समंदर भी आ जाते हैं और इसकी लंबाई है 36,788 किलोमीटर। यानी कि आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो आपको कितनी दूरी तय करनी होगी ये आपको समझ आ गया होगा। भोपाल के पास जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो ये पॉइंट है, यहाँ पर काफ़ी दर्शक आते हैं। जो भी इस सड़क से गुजरता है वो यहाँ पर रुक कर 2-3 तस्वीरें तो खिंचाई लेता है। और ये ऐसा पॉइंट है कि आपको देखकर बड़ा ही ऑर्डिनरी सा लगेगा कि कोई ऐसी खास बात इसमें है नहीं, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे भूगोल की दृष्टि से, इसका ज्योग्राफिकल महत्व समझेंगे, तब आपको लगेगा कि ये जो पूरी रेखा है यहाँ से यहाँ तक जो गुजर रही है ये कितनी अहम है और उसका महत्व क्या है। तो आप लोग भी अगर कभी आए तो इस जगह पर आकर देखिएगा जरूर। कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है उनमें आमतौर पर काफी गर्मी होती है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पारा करीब 45 डिग्री होता है, यानी कि गर्मियों में हाल काफी बुरा होता है। और अरायना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। जब मैं बड़ी होंगी तब मैं ये ज्योग्राफी। आज तो मेरी परछाई दिख रही है लेकिन 21 जून को ये नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप बैठकर कुछ देर आनंद जरूर ले सकते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि 21 जून यानी कि समर सोल्स्टिस के दिन साल में सबसे लंबा दिन होता है। उस दिन यहाँ पर सूरज करीब 13.5 घंटे रहता है। इससे पहले कि हम वीडियो के आखिरी दौर में पहुंचे, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि ये दुनिया में कहां कहां से गुजरती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, लाइक करें तभी तो ये वीडियो आगे बढ़ेगा। और बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और ना भी अच्छा लगा हो तो भी करिए, हमें पता तो चले कि जो हम बना रहे हैं वो आपको अच्छा लगता है या नहीं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैला दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू। ऑन है इधर जाओ, यहाँ खड़ी है, यहाँ ऊपर जाओ, कर लो भाई शूट मेरा, तुम तो खाने में लग गए। ये जो एक लाइन है ये पूरी पृथ्वी को काटती है, एक पूरा गोलाकार में एक हिस्से को, ये है ना ऐसा कुछ। और कुछ एक दो लाइन में बोलो। दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन है मकर रेखा। हाँ कैप्रिकॉन इज मकर। ओके, अरे ना क्या समझ में आ रहा तुमको इससे? जब मैं बड़ी इधर आई